हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। हम जब भी कंप्यूटर पे कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं तो हमारा जो कर्सर है उसका पॉइंट हमें कलर में करना है तो या जूमिंग में करना है तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि वो कर्सर को कलर में या जूमिंग में कैसे कर सकते हैं। और उसी सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है पॉइंटर फोकस। उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, जैसे कि उसके सेटिंग्स के बारे में, उसका जो की है वो की तो अपने पास है लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना फ्रेंड्स। और एक बात, जैसे कि इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम जाएंगे कंप्यूटर। तो हम अभी आए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारा जो काम है वो है गूगल क्रोम। हमें जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसके लिए हम जाएंगे गूगल क्रोम में। अपना गूगल क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। अपने सॉफ्टवेयर का नाम ऐड किया है मैंने और उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है डाउनलोड पॉइंटर फोकस 1.5। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसका पेज जो है वो इस तरीके से है। डाउनलोड नाउ पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड नाउ पे हम क्लिक करने के बाद और एक बार हमको डाउनलोड को ही पूछने वाला है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे डाउनलोड नाउ को। इसको क्लिक करने के बाद अपना जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरो को क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे फाइल को। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं। अपना रनिंग हुआ है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। बस कुछ मिनट में अपना जो सॉफ्टवेयर है वो रन होने के बाद इंस्टॉल होने के लिए पूछने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो फाइल है ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमको पूछेगा नेक्स्ट ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अपना जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपेयरिंग योर इंस्टॉलेशन, प्लीज़ वेट। कुछ वेट करना है आपको एक कुछ सेकेंड के लिए। और इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करोगे तो अपना जो इंस्टॉल है, हमको कुछ सेटिंग्स करनी है, सिलेक्ट सेटअप पेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन है उनकी लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में, तो यहाँ पे पूरा पढ़ लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल नाउ आएगा। तो हम इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे तो अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये अपना पॉइंटर फोकस सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। उसी पे मैं डबल क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अपना पॉइंटर फोकस सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। अभी हम सिलेक्शन जो है, अभी ये सर्कल जो आया हुआ है कर्सर पे, वो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है उसके वजह से आया है। पॉइंटर फोकस उसका शॉर्टकट की जो है वो F8 है। जैसे मैं उसको क्लिक करूँगा तो अपना पॉइंटर फोकस जो था, पॉइंटर अपना फोकस हो रहा था, वो निकल चुका है। और फ्रेंड्स एक बार बताना चाहता हूँ कि इसका जो की है उसको भी यूज़ करने का एक अलग से तरीका है। आपके पास की तो रहेगी लेकिन आपको हर बार उसको रजिस्टर करने के लिए पूछता रहेगा, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उस की को आपको यूज़ कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। मैं इसके बारे में, इसके सब सेटिंग्स के बारे में, सब यूज़ करने के बारे में मैं बताऊँगा। और उसके बाद मैं आखिर में, सबसे एंड में, मैं इसका की कैसा यूज़ करने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो अपना जो पॉइंटर फोकस था वो यहाँ पे है, डबल क्लिक कर लिया तो आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पॉइंटर फोकस स्पॉटलाइट है। पॉइंटर फोकस स्पॉटलाइट, उसका यूज़ क्या है, डबल क्लिक कर लिया। देखिए मैं जो भी सॉफ्टवेयर में जाऊँगा बस वही हाईलाइट होगा और बाकी का अपना पूरा स्क्रीन जो है वो ब्लैक, जैसे कि पूरा आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि स्पॉटलाइट होता है सेम उसी तरीके से है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको खाली वही ऑप्शन दिखाई देगा, बाकी का स्क्रीन का बाजू वाला जो पार्ट है वो नहीं दिख पाएगा क्लियरली। उसको मैं क्लिक करूँगा, नॉर्मल हो जाएगा। बाद में यहाँ पे क्या है, पेन है, उसका शॉर्टकट की है F11। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उसको याद रख पाओगे। मैं इसको पेन को क्लिक कर लूँगा तो देखिए अभी मान लो मुझे इसको हाईलाइट करना है,
इसको रेक्टेंगल निकालना है, तो मैंने इसको रेक्टेंगल कर लिया है। होता है ना ऐसे कई कई पे, जैसे कि हमें कुछ पॉइंट दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो हम इसी तरीके से उसको सर्कल करेंगे। ये मैंने नॉर्मली रैंडमली किया है, ठीक है। यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि हमको एस्केप का की प्रेस करेंगे तो अपना जो हमने लिया हुआ पेन वो निकल जाएगा। मैं अभी एस्केप कर रहा हूँ, देखिए निकल चुका है उसका जो पेन आया था वो। नेक्स्ट है मैग्नीफायर, उसका शॉर्टकट की है F12। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अपने पास देखो मैग्नीफायर आया है। इसके लिए यूज़ इसका क्या है, जैसे कि मैंने पॉइंटर फोकस पे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं गया हूँ तो हाईलाइट हो रहा है अपने को। रिसाइकल बिन, जो भी हम जहाँ पे भी हमारा कर्सर जाएगा तो वहाँ पे वो मैग्नीफायर में वो डिटेल में बताएगा कि आप कहाँ पे क्लिक किया है, आप कौन से ऑप्शन पे गए हो, ठीक है। तो इसका मैग्नीफायर यूज़ है इसका, आप जहाँ पे भी जाओगे तो अपने इस मैग्नीफायर में दिखाई देगा। उसी को हम सिंगल क्लिक करेंगे तो मैग्नीफायर लिया था वो निकल गया है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स, ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं इसको कि इसका यूज़ बहुत है, आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए, वही मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आऊँगा, ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आने के बाद अपना जो सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। हाईलाइट कर्सर है या शॉर्टकट कीज़ है, स्पॉटलाइट है, पेन है, मैग्नीफायर है, रिमोट और अबाउट। जैसे कि अपना जो कर्सर है उसके बारे में दिया हुआ है, अभी हमारे पास जो कर्सर का कलर है वो येल्लो है, अगर उसी को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेड ले लिया, ओके कर लिया है हमने, देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया। ज़्यादातर आपने देखा ही रहेगा कि येल्लो ही कलर होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको येल्लो ही रखेंगे, डार्क येल्लो में, और ओके करना है। बाद में उसका साइज़ है, इस सर्कल का जो साइज़ है आपको कम ज़्यादा करना है तो इस पॉइंट को आपको कम या ज़्यादा करना है। मैं इसको क्लिक करूँगा और मैन्युअली टाइप करूँगा 50% चाहिए मुझे। और इसका जो सर्कल वीथ है, अपने पास जो सर्कल का वीथ है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसी को हमको कम करना है तो हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि अपना जो सर्कल है उसका कलर हमें कम चेंज करना है। तो बाद में शॉर्टकट की के बारे में दिया है, आपको जो भी शॉर्टकट की चेंजेस करने हैं आपके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो, बराबर ना। कॉपी का जो होता है, कट का होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया हुआ है, लेकिन अगर कहीं पे आपके सूटेबल आपको जैसा यूज़ करना है शॉर्टकट की तो आप उसको यूज़ करके कर सकते हो। उसी के लिए आपको यहाँ पे जाके आपके हिसाब से आप कर सकते हो यूज। बाद में स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का यूज़ क्या है, जैसे कि हमारा स्पॉटलाइट है उसका कुछ साइज़ कम करना है तो उसके बारे में दिया है, पेन का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो भी दिया हुआ है, उसका कलर जो है रेड हमने किया था यूज यहाँ पे तो उसका कलर है वो चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाद में मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर बहुत ही बड़ा था अपना, अगर उसका साइज जो है वो कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कम और ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब थी उसके बारे में सेटिंग्स थी। और नेक्स्ट है पॉइंटर फोकस एग्जिट, मान लो हमें इससे बाहर आना है तो हम इसको एग्जिट को क्लिक कर लेंगे तो अपना हम पॉइंटर फोकस जो ओपन किया था उसमें से हम बाहर आ चुके हैं। अभी हम इसी को फिर से क्लिक करेंगे तो हम फिर से अपना पॉइंटर फोकस जो है वो ओपन हो चुका है। अभी इसको मिनिमाइज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे है, पॉइंटर फोकस मिनिमाइज़। मान लो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर लिया है तो देखिए अपना जो है पॉइंटर फोकस का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटस बार में आपको आना है और शो हिडन आइकॉन में जाके यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो अपना जो पॉइंटर फोकस के ऑप्शन है वो फिर से ओपन हो जाएंगे। मिनिमाइज़ कर लो, ओपन करना है तो यहाँ पे आके उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बारी आ चुकी है पॉइंटर फोकस की को कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स मान लो अभी हमने इसका पॉइंटर फोकस की का रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे इसको ओपन करोगे तो आपको फिर से वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको क्या होता है, डिस्टर्ब होता है काम में, आपका जो काम चल रहा है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है बार बार। तो एक ही उसके लिए सॉल्यूशन है, आप जिस टाइम भी पॉइंटर फोकस सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम उसका रजिस्टर कर लेना है उस दिन के लिए। आपने जैसे उस दिन के लिए रजिस्टर कर लिया तो पूरे दिन के लिए वो फिर से पॉपअप जो है वो ओपन नहीं हो पाएगा, विंडो जो है वो, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अपने पास उसका की है और अगले दिन उसको रजिस्टर करना है
फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको यूज़ करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फर्स्ट टाइम ही करना है। अभी मान लो मैंने आज ओपन किया पॉइंटर फोकस, तो मुझे वन टाइम ही पॉइंटर फोकस का रजिस्ट्रेशन करना है उस दिन के लिए। पता चला ना आपको इसके बारे में? तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हमको एंटर रजिस्ट्रेशन कोड पूछा है और वो कोड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसका मैं जो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में देने वाला हूँ पॉइंटर फोकस कोड, यहाँ पे मैं आऊँगा और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे अपने को पेस्ट करना है और बाद में रजिस्टर करना है, कंटिन्यू पे नहीं क्लिक करना है। रजिस्टर करोगे तो आपका पॉइंटर फोकस उस दिन के लिए आपका पॉइंटर फोकस जो है रजिस्टर हो जाएगा। नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लो ये पेड सॉफ्टवेयर है, अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है और बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पैसा खर्च नहीं करना है तो आप इस की को यूज़ ज़रूर कर लेना और उसको रजिस्टर कर लेना है। तो आज के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है आपको फिर से रजिस्ट्रेशन पूछेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ना एकदम अच्छी बात, जैसे कि आपके पास की तो थी लेकिन आपको उसको यूज़ कैसे करना है पता नहीं था। तो आज मैंने आपको बताया है कि इसका की के बारे में, इसका की जो है वो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट में बताते हो तो हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है एक नए नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।